अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं जाया हूं तब 12370 हटाने का भगीरथ काम 170 और 35। से निकल जाएगी वो काम मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त को देश की संसद के अंदर कर भारत के जन जन की आवाज को वाचा देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं हम धारा 370 और 35 ए के लिए समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता है। धारा 370 को हटाना, 35 ए को हटाना, जब से धारा 370 और 35 ए अस्तित्व में आई तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि धारा 370 और 35 ए भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव में बाधा है। भारत और कश्मीर की एकात्मता और भारत की अखंडता में बाधा है। मुझे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि धारा 370 हटने से ही भारत और कश्मीर हमेशा के लिए जुड़ेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, कर्नाटक का हो, सब कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुझे बताइए, मुंबई वालों कहते थे या नहीं कहते थे? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूं क्यों कहते थे भाई? हमने कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, कर्नाटक भारत का अभिन्न अंग है, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। कभी बोलना नहीं पड़ता था, कश्मीर के लिए बोलना पड़ता था क्योंकि धारा 370 बाधा बनकर खड़ी थी, बाधा बनकर खड़ी थी। हर भारतीय जानता था कि जब तक धारा 370 है कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, उनके साहस को, उनके हौसले को। 305 सीट मिलने के बाद जब नई सरकार हुई, पहला ही सेशन आया, पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने धारा 370 और 35 ए को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज जो हम सालों से कहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि अब धारा 370 और 35 ए नहीं। मित्रों, एक देश के अंदर एक निशान, एक राष्ट्रध्वज, एक प्रधान, एक पंत प्रधान और एक विधान, एक संविधान, ये तीनों नारा लेकर भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, हमारा नारा था जनसंघ से लेकर आज तक। और यही नारे को लेकर हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, भारतीय कश्मीर नहीं जा सकते थे, कश्मीर में भारत का झंडा नहीं लगता था, कश्मीर के मुख्य प्रधान को बड़ा प्रधान, प्रधानमंत्री कहते थे और कश्मीर का एक अलग संविधान था। इसके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए और शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको जेल में डालकर उनकी रहस्यमय संजोगों में मौत हो गई। कश्मीर के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, तब से हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं
कि धारा 370 ये राजनीतिक मुद्दा है। राहुल बाबा, आप तो आजकल आए हो राजनीति में, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी तीन तीन पीढ़ियां कश्मीर के लिए 370 हटाने के लिए अपने बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कश्मीर में 370 रखना कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा था और आज भी है। कश्मीर में से 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भारत मां को एक और अखंड बनाने का संकल्प है जो मोदी जी ने समाप्त